स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से कसूर से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमा राना मुमताज़ की मुलाकात हुई है, जिन्होंने मुस्लिम काफ में शमूलियत का ऐलान किया है। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मालूमात हासिल करेंगे, अभी आपको बताएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है और कसूर से ताल्लुक रखते हैं सियासी रहनुमा राना मुमताज़, उनका नाम है, और उन्होंने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। आसिम हमारे साथ मौजूद है, आसिम बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो हुकूमत के खिलाफ जहाँ पर हुकूमत के साथ सॉरी जहाँ पर वो हुकूमती इतिहादी हैं वहीं पर वो अपोजिशन के खासतौर पर मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके साथ राब्तों में हैं, और आज उनसे PP 179 कसूर से आज़ाद उम्मीदवार और कसूर की ही सियासी समाजी शख्सियत है राना मुमताज़ अली, उन्होंने मुलाकात की और उसके अंदर शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि फौज गैर जानबदार अदारा है, सियासत में मुलव्वस उसे ना किया जाए, मुल्क पर जब भी करा वक्त आया है पाक फौज ने भर चढ़कर हिस्सा लिया है, फौज और अदारों ने अंदरूनी बरूनी दहशतगर्दी का पाक फौज सैलाब जल्जिला अवामी खिदमत में पेश पेश रही है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं है, अवामी खिदमत का है, मुल्क इस वक्त अंदरूनी बरूनी मुश्किलात का शिकार है पाक। ठीक है आसिम, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।